हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं पनीर कुर्मा की रेसिपी। तो देखिए, देखने में जितना सुंदर लग रहा है, खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी पनीर कुर्मा की रेसिपी है। तो इस रेसिपी के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है पनीर। तो सबसे पहले हम पनीर के पीसेस करेंगे और पनीर को हम थोड़े लंबे लंबे पीसेस में कट करेंगे इस तरह से। तो पनीर को हम जो है इस तरह से पतले पतले लंबे लंबे स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए पनीर हमने कट कर लिया है इस तरह से। आप लोग भी पनीर को इस तरह से कट कर लीजिएगा। थोड़े लंबे लंबे, थोड़े मोटे मोटे साइज में है हमारे पनीर। तो सारे पनीर हमने कट कर लिए हैं। तो चलिए अब हम पनीर को जो है फ्राई करेंगे। तो पनीर को फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई में तेल ले लिया है। तो अब हम पनीर को डाल देते हैं और तेल हमारा बिल्कुल गरम करके हमने फ्लेम को जो है लो करके रखा है। तो पनीर को हम फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले पलटते पलटते इस तरह चारों तरफ से पनीर को हम अच्छे से हल्का ब्राउन होने तक हम पनीर को फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड, देखिए पनीर के हमारे कलर हल्के चेंज हो गए हैं इस तरह से। तो अब हम इन पनीर के पीसेस को बाहर निकाल लेंगे। अब उसी तेल में हम 2 चम्मच घी ऐड कर देंगे। घी ऐड करने से रेसिपी का टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। तो 2 चम्मच हमने घी ऐड कर दिया है। और यहाँ पर हमने ले लिया है प्याज। प्याज को हमने बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है, जैसे बिरिस्ता तैयार करते हैं। तो प्याज को हमने बिल्कुल हाई फ्लेम पे चलाते हुए फ्राई करना है, जब तक कि ये बिल्कुल लाल लाल फ्राई ना हो जाए। तो देखिए ये मीडियम फ्राई हो चुका है, अभी थोड़ा ये और फ्राई होगा। तो इसको चलाते हुए ही इसको फ्राई करना है, बिल्कुल बिरिस्ता जैसा तैयार करना है इसे। तो देखिए चलाते हुए हमने प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसका कलर देख लीजिए, बिल्कुल इसी तरह के कलर चाहिए हमें बरिस्ता। तो प्याज हमारे फ्राई हो गए हैं, प्याज को हम निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले है कि हम मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ हम ले लिए हैं धनिया पाउडर। धनिया पाउडर हम यहाँ पे 2 चम्मच लेंगे। कोरमे में धनिया पाउडर ज़्यादा जाता है, तो धनिया पाउडर 2 चम्मच। ये लाल मिर्च, तिखी वाली लाल मिर्च का पाउडर हमने लिया है 1 चम्मच। और यह है जीरा पाउडर। जीरा पाउडर हमने यहाँ पे 1/2 चम्मच लिया है। और लिए यहाँ पे हल्दी का पाउडर, हल्दी भी हमने 1/2 चम्मच ही लिया है। और ये कलर के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। और अब हम इसमें थोड़ा पानी डालकर इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस तरह से पानी डालकर मसाले को रखें तो ये फूल भी जाता है और मसाले जलने का भी डर नहीं रहता है। तो इस तरह से पानी डालकर हमने मसालों को जो है पेस्ट तैयार कर लिया है। अब फिर से आ गए हम अपने कढ़ाई में। तो इसमें तेल ऑलरेडी है, इसमें हम डाल दिए 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची डाल देंगे, 2 छोटी इलायची हमने थोड़ा सा क्रश करके डाला है। और हमने डाल दिया है यहाँ पर जीरा, थोड़ा सा तड़क जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को हम भुनेंगे जब तक इसका कच्चा पन्ना निकल जाए। तो थोड़ी देर हमने फ्राई कर लिया है, अदरक लहसुन हमारा भुन गया है अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो मसाला हमने तैयार करके रखा हुआ है, इसे हम ऐड कर देंगे। डाल दिए हैं और थोड़ा देर हम इसे भून लेंगे। तो जब तक हमारा ये मसाला भूनता है, लो फ्लेम करके हम एक मसाला और तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने ले लिया है मिक्सी का जार। इसमें डालेंगे हम जो बरिस्ता तैयार करके रखे हुए थे, इसको हमने ठंडा करके ले लिया है। तो बरिस्ता हमने 1/2 यहाँ पे ले लिया है और थोड़ा सा हम बचा लिए हैं, आगे रेसिपी में भी यूज़ होगा। और डालेंगे इसमें यहाँ पे 7-8 काजू हमने भिगो के रखा हुआ था,
काजू को हम ले लेंगे। और काजू हमने ले लिया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच दही ऐड करेंगे। ये बहुत ही गाढ़ा वाला दही है, तो यहाँ पे 2 चम्मच दही लेंगे हम और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे हमारा मसाला भी भुन चुका है, मसालों में से ऑयल रिलीज़ हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो पेस्ट हमने तैयार किया है, पेस्ट को ऐड कर देंगे इस पर और मसालों के साथ थोड़ी देर हम इस काजू और प्याज की पेस्ट को थोड़ा सा भून लेंगे। तो फ्रेंड देखिए, चलाते हुए थोड़ा सा हमने भून लेना है मसालों को। बहुत ही टेस्टी, सिंपल, बहुत ही अच्छा रेसिपी है। आप लोग घर पे इजीली तैयार कर सकते हैं पनीर कुरमा की रेसिपी। तो थोड़ी देर हमने भून लिया है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पे 4 से 5 चम्मच हमने दही ऐड किया है। दही को थोड़ा सा अच्छे से फेट करके ले लिए हैं। अब मसालों के साथ दही को थोड़ी देर और भूनेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि दही भी हमारा अच्छे से पक जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, दही और सारे मसाले हमारे बहुत अच्छे से भून गए हैं, बिल्कुल मसालों में से तेल निकल आया है। अब हम इसमें डाल देंगे ग्रेवी के लिए बहुत थोड़ा पानी डालेंगे और डाल करके इसे फिर से एक बार मिला देंगे। तो फ्रेंड देखिए, बहुत अच्छे से हमने मिला दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने बेरिस्ता थोड़ा बचा के रखा हुआ था, इसको ऐड करेंगे। इस बेरिस्ता को ऐड करने से रेसिपी का बहुत ही टेस्टी बन जाता है, इसका स्ट्रक्चर जो है दानेदार बन जाता है। तो डाल करके अच्छे से ग्रेवी में मिला देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। हमने नमक पहले नहीं डाला था, तो नमक हम स्वाद के अनुसार डाल दिए हैं। डाल करके एक बार मिला लेंगे। तो हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे पनीर के पीसेस को। पनीर के पीसेस को हमने थोड़ा पानी डालकर भिगो के रखा हुआ था, इससे पनीर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट बने रहते हैं। पनीर को हमने थोड़ा पानी में नमक डाल के इसको डुबा करके रखा हुआ था। तो अच्छे से मिला लेंगे। मिला करके इसे हम ढक करके बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो फ्रेंड देखिए, 2-3 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं हम अपने पनीर को। तो देखिए फ्रेंड्स, पनीर हमारा बिल्कुल रेडी है। कितना सुंदर लग रहा है, टैम्पटिंग, माउथ वाटरिंग लग रहा है ना। तो आप लोग प्लीज़ अपने घर पे इसी तरह से पनीर कुरमा की रेसिपी बनाइए। और लास्ट में हम इसमें ऐड कर दिए हैं गरम मसाला और ये है केवरा वाटर। 1 टीस्पून हमने यहाँ पे केवरा वाटर डाला है। इस रेसिपी का फ्लेवर और टेस्ट दोनों ही चेंज हो जाता है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर अपने घर पर ट्राई करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा बना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। धन्यवाद सभी का फुल वीडियो वॉच करने के लिए।